One, a two, a three, a four, five. पकेला, तुम मुझे खींचकर सुबह सुबह पार्क में क्यों ले आए यार? क्योंकि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से सुस्ती जाती है और चुस्ती आती है, समझे थकेला? समझना मुझे नहीं तुम्हें है, इसलिए मुझे थका थका रहने दो ना यार। नो लेट मी स्लीप। कितना लेजी है ये थकेला और कितना पका हुआ है ये पकेला। पकेला, तुम लड़की की आवाज में क्यों रो रहे हो? हाँ, अरे रो मैं नहीं रहा हूँ, वो देखो वो छोटी सी बच्ची रो रही है। आप दोनों क्यों रो रहे हो? क्योंकि इतनी प्यारी सी बच्ची को रोते देख हमें भी रोना आ गया। ये हमें देख पा रही है, इसका मतलब इसे हमारी मदद की जरूरत होगी। मगर इसे प्रॉब्लम क्या होगी? हो सकता है आइसक्रीम के पिघलने की वजह से दुखी हो। आप दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? यही कि तुम्हारी हेल्प कैसे की जाए। मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता। फिकर नॉट, हम कर सकते हैं। ये देखो, ये कैसे किया? आप दोनों जादूगर हो? नहीं नहीं, भूत है। घबराओ नहीं, हम अच्छे वाले भूत हैं, सबकी मदद करते हैं। ये है थकेला और ये है पकेला। हाय थकेला, हाय पकेला, और मैं हूँ लल्ली, और मेरी प्रॉब्लम मेरा लेजी भाई है लल्ला। लेजी भाई लल्ला? वैसे मेरी प्रॉब्लम भी मेरा लेजी भाई ही है। फिर आगे बताओ। लल्ला भैया के पास एक लेजी चेयर है, सारा सारा दिन भैया उसमें बैठा रहता है, उठता ही नहीं है। उस लेजी चेयर में कुछ बटन्स है जिससे हर काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फिर तो ये लड़का मुझसे भी ज्यादा थकेला है, मुझसे भी ज्यादा लेजी। क्या लल्ला भैया उस लेजी चेयर से कभी नहीं उठेगा? क्या भैया मेरे साथ कभी नहीं खेलेगा? इस लेजी लल्ला की लेजीनेस तो बहुत बड़ा पाप है, ना सिर्फ लल्ली को दुख पहुंचा रहा है बल्कि लल्ला की सेहत भी खराब कर रहा है। चलो थकेला, डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। उठने का समय हो गया है, मगर उठकर बैठने में भी आलस आ रहा है। उठने में भी आलस? जब चेयर हो इतना सुपर कूल क्रेजी, तो क्यों ना बने ये लल्ला लेजी। अब ब्रश कर लेता हूँ। कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है। मजा आ गया है। जब चेयर हो इतना सुपर कूल क्रेजी, तो क्यों ना बने ये लल्ला लेजी। ये लल्ला तो थकेलेपन में मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो कहीं नेक्स्ट थकेला ना बन जाइए। नहीं,
अकेला, ये ड्रामा करने का समय नहीं है, कुछ कर दिखाने का समय है। हाँ? क्या करोगे? देखते जाओ। अब तो लल्ला को अपनी चेयर से उठना ही होगा। पकीला के आइडियाज तो हमेशा फ्लॉप है। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं कोई सुपर हिट आइडिया लगाते? अभी लगाता हूँ अपना सुपर हिट आइडिया। मुझे देखो और मुझसे कुछ सीखो ब्रो। ऑब्जर्व, लर्न एंड अप्लाई। इस तूफानी बवंडर की वजह से तो लल्ला को चेयर से उतरना ही होगा। बड़े आए मुझसे सीखो कहने वाले। मैंने कहा था ना, लल्ला भैया बहुत लेजी है, वो नहीं सुधर सकता। जरूर सुधरेगा। भूत बॉस? भूत बॉस? चिंता मत करो लल्ली, मैं थकीला पकीला का भूत बॉस हूँ। मैंने सब सुन और देख लिया है, तुम्हारे भाई लल्ला की लेजीनेस बस अब कुछ ही देर में गायब होने वाली है। क्या करने वाले है भूत बॉस? लल्ला भैया चलो ना बाहर जाकर खेलते हैं। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। खेल तो मैं तब भी सकता हूँ, और रही बात आइसक्रीम की तो वो तो मैं यहाँ बैठे बैठे खा सकता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, अभी अपना चेहरा धो देता हूँ। मेरे लेजी चेयर को क्या हो गया, ये क्रेजी चेयर क्यों बन गया? अत्ता आमची सटकली, कब तक बैठे रहोगे हम पर? उठो। लेजी चेयर बोलने लगी, घूमना बंद करो, रुक जाओ। कूदना बंद कर दो प्लीज। अरे कभी कहते हो घूमना बंद करो, कभी कहते हो कूदना बंद करो, ये बंद कर दिया कूदना। अब थोड़ी दौड़ भी हो जाए। रुक जाओ प्लीज, रुको। ओके ओके रुक गए। ये क्या हो रहा है, आप लोग कौन हो? अरे ये सीसा अपने आप कैसे ऊपर नीचे हो रहा है? क्योंकि मैं ही तुम्हें जादू से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम आलसी हो, और अपने लेजीनेस की वजह से तुम अपनी बहन लाली के साथ कभी नहीं खेलते, जिससे तुमने उसे बहुत ज्यादा दुख पहुँचाया।
अपने पाप की सजा भुगतने के लिए अब तैयार हो जाओ। बॉस, थकीला पकीला, आप प्लीज लल्ला भैया को और मत डराइए। मुझे लल्ला भैया को डराकर उनके साथ नहीं खेलना। आई एम सॉरी लाली, एक तुम हो जो मेरे लिए भूतों से लड़ रही हो और एक मैं हूँ जो तुम्हें दुखी देखकर भी तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आलस कभी नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ खेलूँगा। भूत बॉस, थकेला पकेला, थैंक यू मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए और मुझे डराकर स्लाइड, सीसॉ खिलाने के लिए। इतना मजा तो मुझे अपनी लेजी चेयर में भी कभी नहीं आया। थैंक यू। चलो अच्छा हुआ मेरा थकेला होने का रिकॉर्ड लल्ला तोड़ नहीं पाया। यस, अब मैं ही थकेला हूँ।